हाँ, हम बी ए पी एच प्रोग्राम कोड का कोर्स कोड बी पी एस सी वन जीरो फाइव ये पढ़ रहे जिसमें ब्लॉक वन का यूनिट वन चैप्टर कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको पढ़ लिया है इस वीडियो में हम नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको पढ़ेंगे देखिए पर्सनल फंक्शन इज क्रूशियल टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रस, जो पर्सनल फंक्शन है ठीक है लोगों द्वारा किया गया काम है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दी ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट एफर्ड टू इग्नोर इट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर नहीं कर सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं पर्सनल है वो सही से काम ना करें ये कोई भी उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है तो इसलिए पर्सनल फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हैंस इट बिकम द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट बी इट इन दवर्मेंट और इन सेमी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो सेमी गवर्नमेंट हो या नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो तो यह बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किसी भी मैनेजमेंट की कि वो पर्सनल फंक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे चेंज इन दोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैव देयर एफर्ट ऑन मैनेजमेंट तो आज के समय में जो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं सामाजिक जो बदलाव हो रहे हैं उसका मैनेजमेंट के ऊपर चेंज दिख रहा है वो इफेक्ट दिख रहा है ठीक है द मैनेजमेंट इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग ड्यू टू द चेंज दैट ऑकर इन दैट सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो इसीलिए जो सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सामाजिक सामाजिक जो इन्वायरमेंट है ओके okay? सामाजिक सोसाइटी है तो उसके चेंज होने के कारण मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट द वर्क इन्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको भी अफेक्ट कर रहा है ठीक है सच चेंज गेट रिफ्लेक्टेड इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये जो चेंज है ये डायरेक्टली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो गेट चेंजिंग दिस चेंज कैन भी अब ये कौन से कौन से चेंज है जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें दिखते हैं ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल इन्वामेंट ठीक है राजनीतिक जो बदलाव है उसी के चलते हुए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं ये हम देखते हैं देखिए चेंजिंग चेंजिंग मिक्स ऑफ पर्सनल एंटरिंग गवर्नमेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देखिए आज के समय में जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण अभी हर तरह के लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इसीलिए क्या हो रहा है जो पर्सनल है अभी अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरी के लोग अभी एक ही साथ मिल क्या हो रहे काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये क्यों हुआ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्वामेंट चेंज हुआ ठीक है पॉलिटिकल इन्वामेंट में क्या चेंज हुआ सबको इक्वलिटी होनी चाहिए ये हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने दिया है इसीलिए कोई भी सर्विस हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो इनमें मिक्स पर्सनल का आज हमें दिखाई दे रहा है ठीक है उसके बाद क्या हो रहा है चेंजिंग वैल्यू ऑफ पर्सनल पर्सनल की वैल्यू चेंज हो रही है क्यों क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति क्या हो रहा है अवेयर हो रहा है ठीक है एजुकेट हो रहा है तो उसको अपने राइट्स दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिमांडिंग मोर टू दी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज तो देखिए लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो अभी गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट करती है कि हम लोगों के साथ चलें लोगों की जो भी डिमांड होती है उसको फुलफिल करें इसीलिए गवर्नमेंट अभी अपने जो एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करती है काम का और फीडबैक का और रिजल्ट का एंड इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल वही बात है अभी लोगों का भी एक्सपेक्टेशन जो है गवर्नमेंट के प्रति बढ़ रहा है क्यों क्योंकि लोग अभी अवेयर हो रहे एजुकेट हो रहे ओके दे आर नो देर वाट आर दी देयर राइट्स सो दे आर दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स टूअर्ड दी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इसीलिए अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो किसके सामने रखता है एम्प्लॉयज़ के सामने कि आप एक बेहतरीन काम करिए सो दैट पीपल गेट हैप्पी दस मैनेजमेंट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनारियो तो देखिए जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो किस तरह से अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द दोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनारियो सामाजिक और उसके बाद इकोनॉमिक और राजनीतिक इन सिनेरियो में चेंज होने के कारण मैनेजमेंट के ऊपर चेंज आ रहा है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है इन फैक्ट इट हैज़ टू कीप अप विद दिस चेंज तो इसीलिए लिए अभी इनफैक्ट क्या हो रहा है मतलब सही में अभी जो चेंज है वो मैनेजमेंट कर रहा है अपने साथ साथ अपने काम के साथ साथ और तो हायर नंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट ट्राइब एंड अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस आर जॉइनिंग दी गवर्नमेंट सर्विसेज आज के समय में हर तबके के लोग सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आज हर किसी को मौका मिल रहा है लोग अवेयर हो रहे हैं एजुकेट हो रहे हैं ठीक है अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल विथ हायर एजुकेशन टेक्निकल स्किल आर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस ठीक है बहुत सारे जो टेक्निकल स्किल लोग हैं हायर एजुकेटेड लोग हैं वो भी आज गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं द नंबर ऑफ वीमेन इन पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग पब्लिक सर्विस में भी आज महिलाओं का भी जो इंक्रीमेंट है ठीक है इंक्रीजिंग देयर देयर परसेंटेज ओके इज ऑल्सो सीन टूडे सिनारी ओके आज के समय में ये दिख रहा है ठीक है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दिस हैज रियली चेंज द रेशियो ऑफ वर्किंग फोर्स तो इससे क्या हो रहा है वर्किंग फोर्स में काम कर रहे जो कर्मचारी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनमें रेशो में मैन एंड फीमेल के रेशो में अभी चेंज दिखाई दे रहा है विद दी ये क्यों चेंज दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दी चेंजिंग दी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हम मेनली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के कारण किस तरह से जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो रहा है ठीक है पर्सनल मैनेजमेंट चेंज हो रहा है ये हम मेनली इसमें पढ़ रहे हैं ठीक है विद दी प्रोलीफेरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अंडर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम ठीक है द एम्प्लॉयज़ आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी मोर कॉम्पिटेंट एंड एफिशेंट अभी इसके कारण अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है देखिए सबसे पहले तो लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है उनके वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं ठीक है थीके? तो इसके कारण जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनकी ज़्यादा इपिशेंसी को डिमांड किया जा रहा है पीपल एट लार्ज एक्सपेक्ट पीपल एट लार्ज एक्सपेक्ट दिनिस्ट्रेशन टू बी टू बी इफिशियंट इफेक्टिव एंड सिंथेपैटिक सिंपेपैटिक ओके तो इसीलिए लोग अभी डिमांड करते हैं कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है एक नॉर्मल कॉमन मैन भी अभी एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट इफिशियंट हो जो भी उनका काम हो वो कम्प्लीट हो ठीक है इपिशियंटली कम्प्लीट हो उसके बाद इफेक्टिवली एकदम सही तरीके से उनका काम हो और सिम्फैथेटिकली मतलब कि उनको कोई भी मोरली उनको कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है उनसे पोलाइटली जो भी काम है उनका किया जा सके पीपल इन्वॉल्वमेंट इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ इज़ इंक्रीजिंग ठीक है तो लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है क्यों बिकॉज ऑफ पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड

तो इसके कारण जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी चेंज हो रहा है पीपल आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लाइन एंड स्टाफ फंक्शन तो लोगों से अभी लाइन एंड स्टाफ फंक्शन की डिमांड की जा रही है ठीक है देखिए सबसे पहले मैं लाइन एंड स्टाफ फंक्शन के बारे में बताता हूँ लाइन फंक्शन क्या होता है जैसे मान लीजिए ये कोई काम है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये कोई वर्क है तो डायरेक्टली इस वर्क को करने वाले कोई लोग होते हैं ठीक है उसके बाद जैसे मान लीजिए ये लेबर है ठीक है और ये कोई मशीन है उस उस ये उस कंपनी की कोई ये मशीन है तो ये लेबर है और डायरेक्ट इस मशीन को चला रहा है और यहाँ से प्रोडक्शन निकल रहा है ये हो गई लाइन फंक्शन मतलब जो मेन टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का चाहे कोई भी टास्क हो उसके साथ जो जुड़े होते जो करते वो लाइन मेन फंक्शन में आते ठीक है को लाइन लाइन फंक्शन उनको बोला जाता है ठीक है ये है लाइन फंक्शन उसके बाद स्टाफ फंक्शन क्या होता है इन लाइन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए ठीक है जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको बोलते स्टाफ फंक्शन ठीक है स्टाफ फंक्शन क्या करते हैं ये जो स्टाफ फंक्शन है ये इनको सपोर्ट करते सो दैट so ये जो लाइन फंक्शन वाले लोग हैं दे विल कंप्लीट देयर वर्क वेरी इफिशियंटली विदाउट एनी स्ट्रगल ओके एक्टिविटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू देखिए अभी हम यहाँ से डेफिनेशन पढ़ेंगे वाट इज लाइन फंक्शन एंड वाट इज स्टाफ फंक्शन ओके ये मैंने यहाँ पे वैसे एक्सप्लेन कर दिया है जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क के साथ जुड़े होते हैं उसको बोलते लाइन फंक्शन और इन लाइन फंक्शन के सपोर्ट में जो लोग खड़े होते हैं उनको बोलते स्टाफ फंक्शन देखिए एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड द लाइन फंक्शन ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसके साथ जो जुड़े होते हैं उसको लाइन फंक्शन बोलते हैं ठीक है एंड और जो स्टाफ फंक्शन होता है आर दोज विच फैसिलिटेड एंड असिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लाइन फंक्शन ठीक है जो लाइन फंक्शन को असिस्ट करते हैं उनको एक टाइप का एक सपोर्ट करते हैं उसको स्टाफ फंक्शन बोलते हैं दे आर इन द नेचर ऑफ सेकेंड्री एक्टिविटी एंड इनहस द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइन एजेंसी ठीक है तो ये क्या है ये सेकेंडरी में आते ये प्राइमरी में आते और ये सेकेंड्री में आते ये प्राइमरी में क्यों आते हैं क्योंकि डायरेक्टली उस काम को करते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन टास्क होता है प्राइमरी टास्क होता है और ये सेकेंड्री में आते हैं क्यों क्योंकि ये एज अ सपोर्टिंग टू द लाइन फंक्शन सो दैट दे विल डू देयर प्राइमरी वर्क वेरी इफिशेंटली ओके इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है असिस्टेंट इन इन प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनल ठीक है एज वेल एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आर इसेंशियली स्टाफ फंक्शन ओके जो भी ट्रेनिंग देना है उसके बाद जो भी डेवलपमेंट करना है लोगों का जो काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शन होता है मेनली स्टाफ फंक्शन का एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन विदाउट दसिस्टेंट ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइन फंक्शन और स्टाफ फंक्शन साथ में अगर काम ना करे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो गोल है उस ऑर्गेनाइजेशन जो बना है जिस उद्देश्य के लिए बना है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है बिकॉज दे आर इक्वली इक्वली डिपेंड ऑन ईच अदर एट द सेम टाइम पर्सनल फंक्शन कैन नॉट बी आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो जो भी देखिए ये तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग अभी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है जैसे कि अलग अलग फाइनेंशियल हो गए बहुत सारे फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन फंक्शन बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो हम हाँ बोल सकते हैं कि जो पर्सनल फंक्शन है ये जो पर्सनल लोगों से द्वारा किया गया कोई काम है इसको हम बाक़ी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उससे अलग नहीं कर सकते आइसोलेट नहीं कर सकते बिकॉज़ पर्सनल फंक्शन इंक्लूड बहुत लाइन एक्टिविटीज़ ओके लाइन एंड स्टाफ एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइन एंड स्टाफ दोनों फंक्शन काम करते हैं इसीलिए ये पर्सनल फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखिए आगे पढ़ते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है personal administration जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक फॉर्मल ढांचा होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक है उसका हमेशा ये पार्ट नहीं होता है नो ऑर्गनाइजेशन कैन श्योरली रन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मर रूल एंड रेगुलेशन अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गनाइजेशन के बहुत सारे रूल होते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रूल रेगुलेशन बनाता है तो ये ज़रूरी है कि अगर हम स्ट्रिक्ट उस ऑर्गनाइजेशन के रूल रेगुलेशन पर चले तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल है ठीक है इसी लिए इसी लिए कहा जा रहा है कि नो ऑर्गेनाइजेशन कैन श्योरली ओके श्योरली रन ऑन द बेस ऑफ द फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन ठीक है इट कम्फ्राइज ह्यूमैन बींग हु आर स्ट्रक्चर्ड इन एन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क इन ऑर्डर टू कैरी आउट दी टास्क एंड एक्टिविटीज़ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो मेनली जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो ह्यूमन बींग के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनको एक स्ट्रक्चर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनसे काम लिया जा सके और उनका वेलफेयर और जो भी उनकी दिक्कत है उनको सॉल्व किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी फुलफिल किया जा सके ठीक है दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर इज़ सप्लीमेंटेड सपोर्टेड और ऑब्सट्रेक्टेड एट टाइम एंड इवन टेकन ओवर बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच ग्रो विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि एक जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मेन काम करता है साथ में एक इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो मेनली इन पर्सनल लोगों का इन यहाँ पर जो लाइन और स्टाफ जो लोग काम करते हैं उनका एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है मतलब हम बोल सकते विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इट इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड इज बेस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल रिलेशन अमोंग द पर्सनल ऑफ फॉर्मल ग्रुप पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस ओके पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण ठीक है इन फैक्टर के कारण एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बन जाता है और वो ग्रो करता है ठीक है तो देखिए मेन इसमें क्या बताया गया इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है रूल रेगुलेशन होते हैं अगर हम प्रॉपर रूल रेगुलेशन से चले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस पर्सनल को पूरी तरह से उनसे जो काम लेना है वो नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि फॉर्मल जो रूल रेगुलेशन होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक होते हैं बिकॉज ऑफ दे आर ओनली क्या करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होंगे ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को ही ज़्यादा देखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उसी के तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेंगे वो फॉर्मल रूल रेगुलेशंस तो इसीलिए क्या होता है इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बनता है जैसे कि यूनियन बनते हैं ठीक है तो ये किस आधार पे बनते हैं ये मेनली पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण ही बनते हैं ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन की हम साथ में एक ही टाइप के लोग एक यूनियन बनाते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और वो यूनियन में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट होता है उसको बताते हैं तो इस तरह से यहाँ पे दो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं यही इसमें बताया गया है देखिए आगे बढ़ते हैं द फंक्शन ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड डे बाई डे तो आज के समय में जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड होते जा रहा है क्यों बिकॉज ऑफ दिस नेचर ठीक है द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिफर फ्रॉम वन ऑर्गनाइजेशन टू द अदर तो जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या करता है डिफर करता है वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन बिग ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर टास्क टू परफॉर्म एज दे एम्प्लॉय मोर पीपल एंड सॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा काम होगा क्योंकि इसलिए ज़्यादा काम है इसलिए वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है तो इट्स अंडरस्टूड दैट देयर विल बी मोर एम्प्लॉयज़ टू वर्क ओके तो इसीलिए वहाँ पे जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा बड़ा होगा द टास्क ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इन सच ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर इंट्रिकेट ओके इंट्रिकेट बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी होगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का भी होगा और वो अंदर अंदर की अंदर मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डील विथ ह्यूमैन बींग जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वो मेनली किससे डील करता है ह्यूमैन बींग से ऑल द टाइम द क्रूशियल एक्ट क्रूशल फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन एंड मॉरल ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैव टू बी सिस्टमैटिकली परफॉर्म बाई इट ठीक है तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है एक बहुत ज़्यादा क्रुशियल फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है वो वो कौन सा वो मोटिवेट करता है और मॉरल हाई करता है कि इनका जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते उनका क्यों क्योंकि वो सिस्टमैटिकली परफॉर्म कर सके और उनसे करवाया जा सके इट हैज़ टू मीट दी ग्रोविंग नीड ऑफ द पीपल एज वेल एज़ टू सेटिसफाई द इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ दी एम्प्लॉयज़ तो आज के समय में एम्प्लॉयज़ का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसीलिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ज़्यादा रोल हो गया है अगर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा तो लोग काम नहीं करेंगे ठीक है तो उसके बाद जो मेन टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफिल नहीं होगा ठीक है तो इस वीडियो में हमने नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको पढ़ा है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम पर, हम पढ़ेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे इवॉल्वमेंट हुआ है कैसे वो बना है उसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे उसके बाद हम उसका डेवलपमेंट ये देखेंगे और वो साथ साथ इवोल्यूशन के साथ साथ किस तरह से डेवलप हुआ है ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद